कोई नहीं पीछे बोलेगा, पीछे से कोई नहीं बोलेगा। क्या आप अर्सैनिक बलों की पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे? मुट्ठी बंद करके वादा करिए। हमने उनसे वादा किया है कि आप देश की सुरक्षा करो, पुरानी पेंशन की रक्षा हम सब मिलकर करेंगे। और मैं कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, आप हमें दो दिन बाद पेंशन देना, लेकिन सबसे पहले इस देश के अर्सैनिक बलों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हम सब इसके साथ में हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, उनका दर्द जिस तरह का है, एक सैनिक ऐसे रोने लगा, उसने कहा सर मैं अकेला अपने घर में नौकरी करने वाला हूँ, मेरे बीवी बच्चे मेरे बूढ़े माँ बाप है, मैं कभी कभी रात में सो नहीं पाता हूँ, कि अगर मैं रिटायर होने के बाद जाऊँगा और पेंशन भी नहीं होगी, हम किस पद से अपने गाँव में कहूँगा कि मैंने देश की सेवा की है, आज अपने घर की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रोता हूँ रात में। ये बात सैनिक कह रहा है, इस बात को चिंता है उसको। तो आप जिम्मेदारी लेंगे पीछे वाले, आप जिम्मेदारी लेंगे, पुरानी पेंशन सबसे पहले इस देश के अर्सैनिक बलों को मिलनी चाहिए। हम इसके पुरजोर समर्थन करते हैं। पुरानी पेंशन हक है हमारा। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस अटेवा की लड़ाई को कमजोर करना, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अटेवा की लड़ाई को कमजोर करने वाले भी तमाम एलिमेंट घूम रहे हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कारण क्या है। जब पांच राज्य हो गया तो तमाम सेवानिवृत्त लोग जो चल नहीं पाते वो कह रहे हैं हम भी पेंशन दिलाएंगे। खुद चल नहीं पा रहे हैं, नौजवानों की लड़ाई हम लड़ेंगे। नौजवान इतना निकम्मा हो गया है, क्या आप लड़ोगे? नौजवान इतना निकम्मा हो गया है, क्या नौजवान अपने पौरुष से पेंशन नहीं बहाल करा सकता क्या? मैं सेवानिवृत्त लोगों से कहना चाहता हूँ, आप हमारे आदरणीय हो, सम्मानीय हो, घर में बैठो, आइडिया दो, सुझाव दो, आशीर्वाद दो, स्नेह दो, और नौजवान लड़के ले लेगा, आप इसकी चिंता ना करो। कुछ लोग आजकल मोर्चा बना रहे हैं, मोर्चा। जब पांच राज्य लागू हो गया तो अब याद आई मोर्चे की, सचेत रहना, मैं इसलिए आपको बताने आया, मोर्चा बनेगा और कुछ महीने बाद मोर्चे में मोर्चा लग जाएगा। ये पहली बार मोर्चा नहीं बन रहा है, ये जब जब आंदोलन तेज होता है कुछ दरबारी लोग आके खड़े हो जाते हैं, हम कराएंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप किस विभाग में हो, किस पद पे हो, किस गुट में हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब पेंशन की बात आए अटेवा के साथ खड़े हो जाना। उसका कारण मैं बता दूं, अगर अटेवा कमजोर होगा ये आंदोलन कमजोर होगा, और तमाम साजिशें ऐसी चली जा रही है कि अटेवा कमजोर हो। आप कमजोर होने दोगे क्या? अच्छा, अटेवा किसी विभाग का संगठन है क्या? अरे यहाँ प्राइमरी बैठा है, माध्यमिक बैठा है, विश्वविद्यालय बैठा है, सफाई कर्मचारी बैठा है, लेखपाल बैठा है, आईटीआई बैठा है, यहाँ पर स्वास्थ्य बैठा है, चिकित्सा बैठा है, फार्मासिस्ट बैठा है, कौन नहीं है यहाँ पर? सारे के सारे लोग। अटेवा विभागों का एक शानदार गुलदस्ता है, ये कोई अकेले का नहीं है, शानदार गुलदस्ता है। और ये गुलदस्ता ने पांच बिल्डिंगें तैयार कर दी हैं, पांच बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरठ की सरजमी पे ऐलान करता हूँ, अगले पांच राज्य पाइपलाइन में हैं। अगले पांच राज्य, मुझसे बात चल रही है। अब तो पहले हम फोन करते थे विधायक के पास, मेरी सुन लो, अब विधायक कहता है मेरी सुन लो। संघर्षों से पासा पलटा है, भाषा बदली है, परिभाषा बदली है आपकी संघर्ष की बदौलत। और अटेवा में आने से कोई विभाग आपको रोके तो समझ लेना वो दुश्मन है, अगर कोई संगठन मना करे तो समझ लेना वो पेंशन बहाली नहीं चाहता है। ध्यान रखना इस बात को।
और अभी आपसे एक निवेदन और है, अभी जब मेरी बात खत्म होगी हम लोग यहीं तक नहीं रहेंगे, हम लोग आज मेरठ से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हम मेरठ के रोडों पर चलेंगे, रोडों पर चलेंगे और चल के हम ज्ञापन देने का काम करेंगे, हम चल के कहेंगे। और जानते वहां जो ज्ञापन लेने वाला है वो कहा सर आओ हम भी 2016 के लिए। आप हमारे साथ चलेंगे कि उधर से निकल जाएंगे? अगर लड़ाई में साथ है तो अंतिम समय तक लड़ना होगा, अंतिम समय तक चलना होगा। अब आपको मैं बताऊं, इसलिए इस लड़ाई में अटेरा आप कहां विभाग में हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जहां भी हो रहो। रामेश श्रीवास्तव जी हमारे सफाई कर्मचारी के नेता हैं, सफाई कर्मचारी लोग हैं या नहीं है, हमारे नेता हैं या कौन विभाग का नेता नहीं है, सारे लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर कोई मोर्चा मंच आपसे कहे अब मैं लड़ूंगा तो पूछना 18 साल पहले कहां थे, कहां थे भाई? अब मैं आपको 5 राज्य की कहानी बताऊं। जानते हैं अभी बिहार सरकार से मेरे पास फोन आया, सर हम भी आपके साथ तैयार है, हिमाचल वाला काम ना करिएगा। कौन सा, कौन सा? और आपको इसलिए एक धन्यवाद भी देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की पोस्टल बैलेट की गर्मी, पोस्टल बैलेट की गर्मी जब आपने वोट फॉर ओपीएस चलाया इसकी गर्मी राजस्थान गई। राजस्थान गई और राजस्थान ने पेंशन बहाल कर दी और किसी को नहीं बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए गर्व का बात है, तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन रहे होंगे, सबने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाई होगी, माला पहनाया होगा, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आपके नेतृत्व को बुला करके पगड़ी पहनाई, ये इतिहास में पहली घटना है। ये पहली घटना है, वहां का मुख्यमंत्री आपके नेतृत्व को पगड़ी पहनाया। हम कह नहीं सर आप जिम्मेदार हैं, कह नहीं 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 आपने संघर्ष किया, ये आपके लोगों की जिम्मेदारी है इसलिए इसके हकदार आप हैं। वहां से चली मामला, थोड़ा सा पीछे रहिए, थोड़ा सा पीछे, वहां से चला मामला राजस्थान से कहां पहुंचे हम, थोड़ा सा इधर मंच के लोगों को थोड़ा सा बोले, एक मिनट थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा और पीछे हो जाइए, आप लोग थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए। राजस्थान से गर्मी चली कहां गई? अरे बोलो भाई, समस्या यही है आप बोलते नहीं हो, सो तो विजय बंधु बोले हमारा काम बन जाए और सरकार कहती जब सब बोलेंगे तो हम देंगे। राजस्थान से कहां गई? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद फिर कहां गया? झारखंड। झारखंड, झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा भाई साहब आपका समय मिलेगा क्या? हमने कहा जून में छुट्टियां ले लो। 26 जून को उन्होंने कहा अगर मैं बहाल कर दूंगा तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? हमने कहा आप बताइए। उन्होंने कहा अगर बहाल कर दूंगा तो आप 10-20 हजार लोगों के साथ अभिनंदन कर दीजिएगा। हम कहे नहीं, मैं नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री चौंके, अरे इतनी बड़ी बात, बहाल करने के बाद आप अभिनंदन नहीं करना? हम कहे नहीं। अरे हमने कहा 1.5-2 घोषणा करने की, 1,00,000 लोगों को खड़ा कर दूंगा। उन्होंने कहा रांची के अंदर जितना बड़ा मैदान हो आप तय कर लो, हमें बता दो मैदान, आप बताओ डेट मैं बताता हूं। और वहां सबसे बड़ा फुटबॉल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान, उन्होंने कहा इसको भर देना। हमने कहा भर नहीं दूंगा, इसका हाल का बुरा हाल करूंगा मैं। और 26 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए और उन्होंने कहा आपकी पुरानी पेंशन बहाल होगी। उन्होंने घोषणा किया और घोषणा करने के बाद कहें भाई साहब मेरा नंबर नोट कर लीजिए। सोचो वर्तमान मुख्यमंत्री, पहले हम विधायक के पास जाते तो सुनता नहीं था, आज मुख्यमंत्री का नंबर नोट कर लो, आगे चुनाव है, ध्यान रखना। ये बात इसलिए कह रहा हूं, आप अगर मुद्दे के साथ रहोगे तो ये जो हेमंत सोरेन ने किया मैं बता रहा हूं,
प्रधानमंत्री जी भी बुलाएंगे। लेकिन आपको मुद्दे के जाति धर्म भाषा क्षेत्र सब भूल जाना, एक बात याद रखना, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये बात अगर आप जोर लगा कह दिए तो 24 के पहले मौका है। हमने कहा ठीक है, झारखंड हो गया तब उसके बाद केजरीवाल जी हमारी रैली में आए थे। हमने कहा साहब लेट हो रहे हो, तो केजरीवाल पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है ना, होशियार है। उसने कहा करूंगा, थोड़ा गुजरात हिमाचल का चुनाव आने दीजिए, और हिमाचल गुजरात का चुनाव आया और पंजाब लागू हो गया। पता चला आपको नहीं, चार राज हो गए। चार राज तो हमारी रणनीति तो प्लानिंग से हुए, लेकिन हिमाचल हमने चुनौती दे करके वहां के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, चुटुर पुटुर नहीं, जब बजाइए तो जम के बजाइए, नहीं तो ना बजाइए। समझ में आ रही बात, चुटुर पुटुर नहीं। वहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब, हम लोग गए 3 मार्च को रैली किया शिमला में, 1 लाख लोग आ गए। उन्होंने कहा इनको बढ़ने नहीं देना, वो बौछार पानी की, वो लाठियां हमारी महिलाओं पर, वो FIR हमारे लोगों पर, वो जो पड़ी हमने शिमला के अंदर कसम खवाई। भूल जाना जाति, भूल जाना विचारधारा, भूल जाना नेता। अगर आपने इनको पलट दिया तो आने वाले सीमांचल को पूरा हिंदुस्तान के कर्मचारी सलूट करेंगे। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, हिमाचल के शिक्षकों कर्मचारियों की अभूतपूर्व एकता ने एक मुख्यमंत्री को भूतपूर्व बना दिया। भूतपूर्व हो गए। हाँ, हमको पेंशन तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमने उनकी पेंशन की व्यवस्था कर दी। गलत नहीं हूँ, हमने कहा आप जाओ अपनी पेंशन लो, ये जो नई सरकार आई है इससे हम ले लेंगे। और आपको बताओ चुनाव के समय क्या हो रहा था, ये कांग्रेस के लोग भी पहले सुनते नहीं थे, ये भी थोड़ा मोटे थे, ये तो इनको सुनाया गया, सही बता रहा। और कोई किसी शौक से नहीं सुन रहा है, आपकी ताकत आपकी एकता वो मजबूरी बना रही है, ध्यान रखना। तो आपके नेता ने बोला मैडम, ये मरा सत्या जो बैठी है, ये सरला मैडम बैठी हुई हैं, वहां के जानते बैठे रहिएगा, आप लोग जाइए नहीं, जो जाएगा उसका नाम काट दूंगा और फिर बाद में शिकायत ना करिएगा। जल्दी नहीं, आज जल्दी नहीं, आज बिल्कुल जल्दी नहीं, हमने बहुत समय गंवाए हैं, ये गंवा नहीं रहे, ये समय का इन्वेस्टमेंट है, आने वाले समय बुढ़ापे में पेंशन आएगी, इसी समय लगाने से ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप PPF खुलवाते हो इन्वेस्टमेंट है, NSC लेते हो इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम इन्वेस्टमेंट है, समझ में आ रही। उसके बाद वहां के जानते नेता ने क्या बोला, माँ चंडी की कसम, माँ चंडी की कसम, मेरी सरकार बनते मान पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, हुआ। और अभी हरियाणा के एक नेता ने बोला पहली कैबिनेट में पहली कलम से, पहली कैबिनेट पहली कलम। अभी मैं नागपुर गया था, याद है आपको, जहां से पूरी सरकार चलती हिंदुस्तान की, नागपुर जानते होंगे समझते होंगे, दिल्ली सरकार नहीं चला रही है, नागपुर चलाती है। तो हाँ, 1 लाख लोग हम लोग पहुंच गए नागपुर में, मुख्यालय के सामने हम लोग बैठ गए आधे घंटे, और वहां एक ही नारा चला, जो सरकार निकम्बी है वो सरकार बदलनी है। और जानते हैं वहां का फरमान क्या हुआ, जैसे वहां मुख्यालय बैठे मुख्यमंत्री के यहां से मैसेज आ गया, हम बात करना चाहते हैं महाराष्ट्र। और वहां पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में लड़ाई शुरू,
मुख्यमंत्री कह रहा मैं लागू करूंगा, उप मुख्यमंत्री कह रहा नहीं नहीं हमारी अभी पार्टी ने बोला नहीं, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री कह रहा मैं लागू करूंगा, मुख्यमंत्री कह रहा नहीं, क्या बढ़िया, समझ रहे हैं। अच्छा मैं यही चाहता था, मैं सच में यही चाहता था हमारे मुद्दे की बात, अभी हम बोलते थे आप बोलते थे, आपको बताऊं अगर अटेवा के साथ खड़े रहना 24 के पहले पहले मनमोहन सिंह और मोदी, मनमोहन कहेंगे पेंशन देनी है, मोदी कहे नहीं देनी है, और मैं तो यही चाहता हूं, और इसलिए चाहता हूं जो मुद्दा जिंदा रहेगा वो एक दिन जीतेगा, एक दिन जीतेगा। और आज पांच प्रदेश, आज जीता हूं पांच प्रदेश, आगे जीतूंगा पूरा देश, आज जीता हूं पांच प्रदेश, कल जीतूंगा पूरा देश। उसका फार्मूला बताऊं क्या, बता दूं क्या, बताऊं बताऊं, अगली बार बताऊंगा, आप लोगों को मन नहीं है, आप लोगों को मन नहीं है लगता, पेंशन 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 पेंशन, बताओ बताओ, आपको काम करना, पेंशन की जहां नाम आमा अटेवा याद रखना बस, और चाहे गुट हो विभाग हो आप उस कारा को तोड़ करके अटेवा के आह्वान में शामिल हो जाना, फिर 24 के पहले पहले क्या होगा मैं आपको बताने आया हूं। अभी कर्नाटका, अभी मैं कर्नाटका गया बंगलोर में, हमने कहा हिमाचल से कुछ सीखो, कर्नाटक कर 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 उनका हो गया कर्नाटक। आज कह रहा हूं, आज प्रणाम याद रखना, अगर ये पेंशन नहीं बहाल किए तो जो नतीजा हिमाचल का है वही कर्नाटक होने जा रहा है। अब मैं बताऊं 24 का फार्मूला, नहीं चाहिए पुरानी, समझ में आ गए ना, तो नहीं या पुरानी, नहीं या पुरानी, पुरानी पुरानी, चाणाक लोग हैं यहाँ के, होशियार लोग हैं। अब आपको मैं फार्मूला वो बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप आए हैं। कोई 4 बजे उठ के बस में बैठा मैं जानता हूं, कोई 3 बजे उठ गया साधनों पकड़ने के लिए, कोई ठंडी में जब लोग रजाई से नहीं निकलना चाहते हैं उस दौर में आप यहां आके बैठे हैं। मैं आपकी ताकत को आपकी हिम्मत को सलूट करता हूं, दाद देता हूं। बस आप तन मन धन, कुछ लोग कहते हैं तन से हैं मन से हैं, धन नहीं देंगे, अगर धन नहीं देंगे तो मंच बन पाएगा क्या, ये माइक लग पाएगा क्या, ये आपको कुर्सियां मिल पाएंगी क्या। इस आंदोलन को तन मन धन से सहयोग करना है, कितने लोग करेंगे, तैयार हैं, जो लोग अटेवा की सदस्यता नहीं लिए सदस्यता ले लेंगे, बुला के लीजिएगा, अपनी लीजिएगा और रोग दिलाइएगा। एक अटेवा का डॉक्टर रामासी जी हैं, देखा है आपने, एक बार सब लोग ऐसे उनकी तरफ ऐसे सलूट करिए, रामासी की तरफ सलूट करिए, उस व्यक्ति को जिन्होंने इस पेंशन की लड़ाई में अपनी कुर्बानी अपना बलिदान दिया है। इनके नाम पे लखनऊ में एक डॉक्टर रामाशीष सिंह स्मृति भवन बन रहा है, आप सबका सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। इनका एक वहाँ स्मारक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कम से कम आप लखनऊ आइए तो आप याद करिए कि हमारे ने कोई कुर्बानी दिया है बलिदान दिया है, और इनकी वहाँ एक मूर्ति वहाँ रखवाई जाएगी, उसमें भी आप अपना तन मन धन से सहयोग कर दीजिएगा। मेरी इच्छा है कि रामाशीष का स्मृति एक स्मारक लखनऊ के अंदर होना चाहिए। और जानते हैं बात मैं क्यों कह रहा हूं, उनके पिताजी का मेरे पास फोन आता है,
मेरे पास फोन आता है, वो नहीं कहते रामाशीष के दोनों बेटों का क्या हाल है, वो नहीं कहते मेरी बहू का क्या हाल है, वो नहीं पूछते मेरे परिवार का क्या हाल है, वो एक ही बात बोलते हैं, विजय बंधु ये पुरानी पेंशन की लौ बुझनी नहीं चाहिए, अगर पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी तो मैं समझूंगा मेरे बेटे का बलिदान लाखों लाखों लोगों के लिए हो गया है। उनके स्मृति में एक भवन बनाया जा रहा है, उसमें आप सहयोग करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, कर दीजिएगा। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, अगर संसाधन नहीं होंगे तो हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। अब आपको बताऊं पांच का फार्मूला, अभी बिहार नाम नोट कर लेना, रजिस्टर नोट कर लेना, जो बोल दूंगा वही हो जाएगा। मुनिराम ने बताइए 16 में हमने कहा था आप मेरा साथ देना, एक दिन सारे शिक्षक कर्मचारी कहेंगे पुरानी पेंशन हम बहाल कराएंगे, बोल रहे नहीं बोल रहे, हमने कहा और साथ देना, ये चंद्रहास जी हैं गवाह हैं उस 16 के मैदान पे, हमने कहा था 2016 में साथ देना, इस देश का राजनेता और राजनीतिक दल एक दिन चिल्ला चिल्ला कहेंगे हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार बनाओ पेंशन। एक बात और बोल रहा, 24 वाला फार्मूला, अभी बिहार से मेरे पास संदेश आया है, वो भी कह रहे मैं तैयार हूं, अपनी डेट बताओ, हमारे पास फुर्सत नहीं। पुरानी पेंशन जिंदाबाद, तेलंगाना 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 पूरा पक गया है, तमिलनाडु बात चल रही है 2024 के पहले पहले 5 राज्य और कराने जा रहा हूं। अगर ये 5 राज्य और हो गए तो 24 के पहले कैसे पेंशन बहाल होगी मैं बता रहा हूं, इतनी छोटी पानी से डर गए कि लड़ाई नहीं होगी, भीग जाओ बैठे रहो, भागो नहीं, भागने से अधिकार नहीं मिलते हैं। आपको बताऊं अगर 5 राज्य और हो गए तो कितने हो गए, 10। अब बस करो भाई, बस 10 बस, फिर दिल्ली की चढ़ाई करेंगे, दिल्ली कितने लोग तैयार हैं, दिल्ली दिल्ली चलो, ये नारा किसने दिया था, नेता सुभाष चंद्र बोस ने, वो असली देश के नेता थे, ये नारा फिर से गूंजो दिल्ली दिल्ली चलो, आप दिल्ली चलिए 5 राज्य और बहाल कर दिए तो रात 8 बजे भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों मित्रों, वैसे जब मित्रों कहते तो उनके दो ही हैं, हम सोचे हमको कह रहे हैं, उनके दो ही हैं, वो एक की हालत देख रहे हैं ना, अभी परसों सब लड़खड़ा गया, हमारा पैसा LIC में लगा, LIC का पैसा अडानी को दिया गया, अडानी ने शेयर में लगाया, सब लुढ़क गया, पैसा अडानी का नहीं गया, हमारा आपका पैसा डूबा है, लेकिन फिर भी चलिए रात 8 बजे भाइयों और बहनों मित्रों, जैसा मुझे पता चला है देश का 3 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन से वंचित कर दिया गया है, और ये नेहरू की गलती है, ये नेहरू, अरे बैठे रहो भाई, पानी इतना नहीं है बह जाएगा, इतना नहीं है, बैठे रहिए। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, हमें पता चला 80 लाख लोग पुरानी पेंशन से वंचित हो गए हैं, और ये नेहरू की गलती है, गलती भले अटल जी की है, बोलना नेहरू ही है, बोलना नेहरू ही है। फिर अब प्रधानमंत्री तैयार हैं, और जब प्रधानमंत्री हमारे फार्म में आ जाए, फिर ये महिलाएं, ये शिक्षिकाएं, ये नर्स हैं, ये डॉक्टर कोरोना काल में हमारे देश को बचाने का काम किया है, और इनके साथ नाइंसाफी है, और मोदी के रहते ये नहीं हो सकता, और इसीलिए जैसे किसान वीर वापस किया, शायद मेरी तपस्या में कुछ, हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, इसीलिए मैं देश के 80 लाख शिक्षकों कर्मचारियों के लिए NPS व्यवस्था बंद करता हूं और पुरानी पेंशन, ऐसा हो सकता है लेकिन भागने से नहीं डटने से होगा,
अब क्या हम लोग, बातें बहुत सारी थी, बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आया था, लेकिन मौसम का मिजाज है, ये हमारी रिपोर्टें नहीं है, ये रिपोर्टें मीडिया की हैं और आपसे संबंधित हैं, ये सारी रिपोर्टें हैं। मैं एक एक पर आपसे बात करता, घंटों बात होती, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए हमको लगता है हम लोग, आप लोग जाइएगा नहीं, सड़कों पर रुकिए और हम लोग ज्ञापन के लिए निकलेंगे। और आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम लोग ज्ञापन जब देने चलेंगे तो सारे साथी बिना भीगे का डर किए हुए हम लोग शांति से अनुशासन में बिना ट्रैफिक को परेशान किए, वो हमारी पब्लिक है, हमारे माँ बाप है, उनको बिना परेशान किए हम लोग इधर से चलेंगे ज्ञापन में आगे बढ़ते हुए। और आपको पुस्तक दी गई है, मैं नमन करता हूँ बाबा साहब को, मैं नमन करता हूँ, क्योंकि यही ताकत है, यही ताकत जो हमें राइट दिया है और बाबा साहब को संविधान में लिखे गए हैं कर्मचारियों की कर्मचारी संसद। लेकिन मैं आज इन आयोजक के लोग रहे हैं, आयोजक लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और धन्यवाद के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी बात जहाँ तक जा रही है हम लोग चलेंगे ज्ञापन के लिए, ज्ञापन देंगे, भीगेंगे भीग जाएंगे, लेकिन ज्ञापन देने के बाद ये कार्यक्रम खत्म होगा। तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मैं इस पूरे आयोजक मंडली का धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने जिला अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सहयोगी संगठनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग इधर से निकलेंगे, इधर से, और आप सब ने इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय युवा, मैं जय युवा जनपद के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय मंजीत शर्मा जी से निवेदन कर दूंगा, जो कार्य सहयोग के लिए 75,000 का चेक राज्य अध्यक्ष को सुमित करने के लिए मंच पर आए। मनीष शर्मा जी गाजियाबाद जिला अध्यक्ष, हापुड़ जनपद के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहित राघव जी से निवेदन है कि वे कार्य निर्माण के सहयोग के लिए 51,000 का चेक आदरणीय अध्यक्ष को सुमित करने के लिए मंच पर आए और सभी साथियों